lecture we start our 12th standard chapter, that is the chemical thermodynamics and energetics. A chapter we start kiya hai. In previous lecture we show the types of system. Ye humne padha hai. Today we learn the properties of the system. आज हम properties of system learn करने वाले हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरवा से. चलो हम स्टार्ट करते हैं. आवर टुडेज टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. इन प्रीवियस लेक्चर वी शो द टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स. हमने पढ़ा है द फर्स्ट टर्म इज द सिस्टम, सेकेंड इज द सराउंडिंग, थर्ड इज द बाउंड्री एंड फोर्थ इज अ फेज. ये सब हमने पढ़ा है. उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम. देयर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट इज अ ओपन सिस्टम, सेकेंड इज अ क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज अ आइसोलेटेड सिस्टम. ये ऑल सिस्टम वी आर लर्निंग प्रीवियस लेक्चर. तो आपको पता है सिस्टम क्या है. सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मतलब हम थर्मोडायनामिक्स पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम जिस पार्ट की पढ़ाई करने वाले हैं, जो भी हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, तो वो क्या हो रही है हमारे सिस्टम. एग्जांपल क्या लिया था हमें, अ कप ऑफ टी और अ पॉट ऑफ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर. वाटर का जो पॉट है ये भी हमने लिया था एग्जांपल. एंड अनदर एग्जांपल इज अ बीकर कंटेनिंग द डायल्यूटेड स्ट्रेस ऑफ सल्फर एंड जिंक. ये भी हमने एग्जाम्पल देखा है. तो देयर आर मीन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी है extensive property. This topic is very simple. And second is a intensive property. इसके नाम ही इसकी definition है intensive property. It is a extensive property. Extensive property and a intensive property. Extensive means it depends upon the quality of matter. It depends upon the quantity of matter. Matter की quantity में depend करती है. And it depends upon the quality of matter. ये quality के ऊपर depend करती है. It is depend upon the number of size of particle. ये particle के जो size है उसके ऊपर depend करती है. It does not depend upon the size of the particle. ये size के ऊपर depend नहीं करती. ये क्या खुद की property रहती है. It is the extensive property. मतलब ये बढ़ भी जाती है. अगर number of molecules और नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो जाए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्रीज. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. हुज वैल्यू इट डिपेंड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हुज वैल्यू डिपेंड्स. इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ मैटर. नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. एक मैटर की क्वांटिटी पे ऊपर डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी ऑफ मैटर. अगर ये क्वांटिटी में डिपेंड है तो इट आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. ये सिस्टम की जो साइज है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होने वाले हैं हमारे सिस्टम में उसके ऊपर भी डिपेंड है. तो इसलिए ये क्या, सेकेंड टॉपिक इज इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. इट depends, its value depends on the size of the system, on the size of the system. System की size और जो भी हम particle, जो भी molecule है उस system में, हम जिस matter की study करने वाले हैं उस matter के जो molecule है उसके ऊपर भी depend करती है. It does not depend upon the size of the system. ये क्या, it does not or doesn't depend on the size of the system, on the size of the system.
ये जो हमारी सिस्टम है उसके उसके हम जो जिस सिस्टम में जिस मैटर की पढ़ाई करने वाले हैं, मतलब स्टडी करने वाले हैं, उसकी जो साइज है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. इसीलिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. इसका एग्जाम्पल है मास. आपको पता है मास यानी वेट. सपोज द एटॉमिक मास ऑफ NaOH इज द 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है. तो अगर हम इन द सिस्टम में जब हम वेट ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका वेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट इज नॉट एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, बट द मास इन द सिस्टम इज ऑल्सो इंक्रीजेस. Hence the mass, it is the extensive property. जैसे भी matter increase हो जाता है, वैसे उसका mass क्या हो जाता है, increase हो जाता है. Hence it is the extensive property. Then area. Next is the volume. Volume area जो है, जो हम square feet में measure करते हैं, अगर उसकी भी size बढ़ जाती है, तो मतलब उसके भी पार्टिकल क्या है बढ़ जाते हैं, तो उसकी साइज भी क्या होती है, बढ़ जाती है. हेंस इट इज द एरिया, इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम. अगर 1 लीटर वॉल्यूम हो गया और उसके ऊपर और भी हम ज्यादा लिक्विड डाल दिए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. हेंस इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मींस देयर इज अ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट इज अ एंथैल्पी. एंथैल्पी भी क्या है आपको, एंथैल्पी इज द टाइप, वन टाइप ऑफ एनर्जी है. तो ये भी क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. हेंस एंथैल्पी इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. देन जिब्स एनर्जी, ये भी आपको पढ़ना है आगे इस चैप्टर में. जिब्स एनर्जी इज आल्सो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और कौन से एग्जांपल है, वर्क, मोल्स वर्क, इट इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नंबर ऑफ मोल्स जो है, इट इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है जिप्स एनर्जी भी है. और फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, मास अपॉन एरिया. फोर्स का इक्वेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया. तो इट इज आल्सो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल कौन कौन से है, इसके एग्जांपल कौन कौन से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द RI. ये क्या है, इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर हमने कौन सा मैटर लिया, उसका मतलब 1 किलोमीटर लिया, तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है. और 1 ग्राम भी मैटर लिया, तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है. इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. ये मैटर की क्वांटिटी पे ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज द डेंसिटी. देन डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट. Then specific gravity. Specific gravity. Then specific heat capacity. Specific heat capacity जो रहती है, it is also intensive property. Then molar heat capacity, ये भी क्या है, intensive property. Molar heat capacity, it is also intensive property. Then normality, it is also intensive property, because when we made a 1 liter of one normal solution, अगर हम 1 liter solution one normal का बनाते हैं और उसके हम सिर्फ 10 ml water लेते हैं हमारे बिकर में, तो this water is also become one normal. वो भी क्या रहता है, one normal रहता है. यानी कि उसके जो particle ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसके हिसाब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि it is the intensive property. हमने वो solution one normal का बना है, तो हम कम भी लेंगे solution हमारे experiment में use करने के लिए, तो वो it is also one normal. इसका मतलब ये नहीं कि हमने one liter में one normal का solution बना है, तो it is not necessary to use this 1 liter solution. उतना ही हम यूज नहीं कर सकते, हमको जितना चाहिए उतना भी हम यूज कर सकते हैं. इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉर्मेलिटी. देन नेक्स्ट इज अ मोलैरिटी, इट इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दिस आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. फर्स्ट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. आर यू गेटिंग दिस? वी स्टार्ट देन नेक्स्ट टॉपिक.
firstly we see this one by one. It depends upon the quantity of matter. It does not depend upon the quantity of matter. It depends on the size of the system. It does not depend on the size of the system. ये distinguish भी हम दिखा सकते हैं in between the extensive property and intensive property, and one by one हम उसकी study भी कर सकते हैं. Are you getting? We see the our next topic. Our next topic is the state of system. State of system क्या है? ये हम देखते हैं. It is the our property of system. This is all our basic of this chapter. Rest of basic in this chapter का. But इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. CET एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. इसलिए इट इज नेसेसरी टू रीड दिस टॉपिक केयरफुली. And our next topic is the state of system. State क्या है system? State of system. The state of system is defined by the variables, the variable property. The state of system is defined by a set of variable property such as the pressure, volume, number of moles, which can describe the total system. वो क्या करती है? Total system हमें describe करती है. तो ये it is पहले हम उसकी definition लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगी. State of a system is defined by a set of variable properties. A set of variable properties such as pressure, temperature, pressure, volume, number of moles, which describe the system completely. मतलब the state of system is defined by a set of variable properties such as the temperature, pressure, volume, number of moles which describe the system completely. यानी कि हमको क्या वो number of moles, वो जो property जो रहती है system की, तो वो क्या कहती है हमारा, हमको उस system की complete information देती है. इसलिए वो क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, state of system. अगर यहाँ से temperature one of the factor in this system, इस सिस्टम का और स्टेट ऑफ सिस्टम का एनी फैक्टर चेंज हो जाता है तो ऑल सिस्टम कैन बी चेंज. इसीलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी एप्रोप्रिएट वैल्यू होना बहुत जरूरी है. अगर वन भी वैल्यू चेंज हो जाती है तो हमारी कंप्लीट सिस्टम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो इसीलिए इट इज द वेरिएबल प्रॉपर्टीज. ये क्या है? वेरिएबल प्रॉपर्टी है. मतलब ए वन भी चेंज हो जाती है तो देयर सिस्टम विच चेंज कम्प्लीटली, हमारे सिस्टम क्या हो जाती है, चेंज. अगर हम देखते हैं सिस्टम में, हमने बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर, तो उसके ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए. उसका जो टेम्परेचर है वो भी फिक्स होना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स रहते, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही रहने चाहिए. एंड देन उसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहना चाहिए. अगर हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हमारे सिस्टम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. उसके प्रेशर में अगर हमने कुछ चेंज किया तो हमारे सिस्टम चेंज हो जाती है. उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है, देन प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसमें अगर हमने कौन सा भी चेंज किया तो हमारे सिस्टम क्या हो जाती है, कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. इसीलिए द स्टेट ऑफ सिस्टम आपको पता होना बहुत जरूरी है. अगर हम कंसिडर करते हैं गैसीय स्टेट के, तो उसका जो इनिशियल प्रेशर जो होता है P1, नेक्स्ट वॉल्यूम V1, देन नंबर ऑफ मोल्स N1, एंड देन टेम्परेचर T1 होता है. तो उसके जो इनिशियल वैल्यू है ये फिक्स होनी चाहिए. एंड अनदर स्टेट ए, अगर ये कौन से स्टेट में है, स्टेट ए में, अगर हम इसके ऊपर चेंज करना चाहते हैं तो वी आर चेंजिंग द ऑल स्टेट
भी अगर हम इसके ऊपर कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, पी टू, मतलब चेंज इन प्रेशर हो, चेंज इन वॉल्यूम वी टू, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एन हो, एंड चेंज इन टेम्परेचर क्यू टू। मतलब हमको चेंज करना है तो ऑल वेरिएबल वेरिएबल में चेंज करना है, तो हमारी सिस्टम क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। अगर हम वन बाय वन फैक्टर चेंज करेंगे तो हमारे सिस्टम क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। देयर इज अ चेंज फाउंड इन आवर सिस्टम, सिस्टम में क्या होता है, चेंज फाउंड होता है। तो इसीलिए हम अगर जो जिस सिस्टम की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर उसके चेंज हो भी जाता है तो वो क्या रहता है, सेकेंड चेंज रहता है। मतलब चेंज करना है तो ऑल वेरिएबल वी कैन चेंज, बट वन वेरिएबल हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते। अगर हमको चेंज करना है तो सिर्फ प्रेशर चेंज करके नहीं चल सकता, हमको दिस ऑल वेरिएबल हमको चेंज करने पड़ेंगे, एंड दिस वैल्यू शुड बी अप्रोप्रिएट। इसके वैल्यू भी कैसे होनी चाहिए, हमको अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, इसीलिए इट इज द स्टेट ऑफ आवर सिस्टम। तो स्टेट कैसे होनी चाहिए, हमारी फिक्स स्टेट होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, मतलब वो जो फैक्टर वेरिएबल है हमारे, वो क्या हमको सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हम इसमें वन भी चेंज कर पाते हैं तो दिस सिस्टम कैन कोलैप्स। वन सिस्टम, अगर वन वेरिएबल में हम चेंज करते हैं तो हमारे सिस्टम कोलैप्स हो जाती है, इसलिए हमें उसको अगर चेंज भी करना है तो हमें क्या, दिस ऑल वेरिएबल को चेंज करने पड़ेंगे। दिस इज आवर स्टेट ऑफ सिस्टम। और नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट फंक्शन क्या है। ये रहा हमारे स्टेट सिस्टम और नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन, और हम इसे थर्मोडायनामिक फंक्शन भी कहते हैं, और देन इज आवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। द स्टेट फंक्शन और वी कैन कॉल इट इज द थर्मोडायनामिक फंक्शन एंड देन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी हम इसे कहते हैं, और थर्मोडायनामिक फंक्शन, बिकॉज वी लर्न दिस फंक्शन इन थर्मोडायनामिक्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी हम इसे कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी हम इसे कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच वैल्यू डिपेंड अपॉन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। The property of the system whose value, the property is the property of the system, is the property of the system whose value, the property of the system whose value depend upon the, whose value depend upon the initial and final state of the system, initial and final state of the system। इसकी वैल्यू क्या, अगर हम ग्राफ देखते हैं, दिस इज अवर ग्राफ, यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ पे है वॉल्यूम, तो हमारी सिस्टम कैसी होनी चाहिए, यहाँ इसका प्रेशर है पी वन, वॉल्यूम है वी वन, यहाँ इसका प्रेशर है पी टू, वॉल्यूम है वी टू। तो चेंज इन प्रेशर क्या आता है हमारा, पी टू माइनस पी वन, एंड चेंज इन वॉल्यूम दैट इज द डेल्टा वी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। तो आपको पता है, अभी मैंने बोला कि स्टेट सिस्टम हमने पढ़ा, तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ इट्स वेरिएबल प्रॉपर्टी, इट इज द सेट ऑफ इट्स वेरिएबल प्रॉपर्टी विच कैन, वेरिएबल प्रॉपर्टी लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स विच गिव्स द, विच डिस्क्राइब द टोटल सिस्टम। वो क्या हमें टोटल सिस्टम की इंफॉर्मेशन देती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। द स्टेट ऑफ फंक्शन इट इज ऑल्सो सिमिलर बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, बट not depend on the path of the system, on the path
ऑफ द सिस्टम, ये उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उसकी इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। तो हमने सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम में गैसेस का एग्जांपल लिया, अगर कौन सा भी गैस है तो उसका इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स N1 एंड वॉल्यूम V1 है, तो उसके चेंज इन प्रेशर क्या होता है P2, मतलब हमें चेंज करना है तो ऑल चेंज करने होंगे उसके वेरिएबल, ओनली हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं चेंज सकते, बिकॉज हमारी वो सिस्टम क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो हेंस द थर्मोडायनामिक फंक्शन में हमें क्या बताता है, जो प्रॉपर्टी जो होती है सिस्टम की, उसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिर्फ इन दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर ही डिपेंड है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड है। आपको सिर्फ हमारा जो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम सेट करके हमने जो सिस्टम सेट की है, अगर हमें चेंज करना है तो उसका जो लास्ट जो टॉपिक, मतलब जो प्रेशर चेंज करना है, P2 चेंज करना है, तो वॉल्यूम भी चेंज करो, उसका प्रेशर भी चेंज करो, उसका नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी चेंज करो, और उसका टेम्परेचर भी चेंज करो, तो दिस इज द फाइनल। ये हुआ हमारा P1, T1 एंड नंबर ऑफ मोल्स P1, ये रही हमारी इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर इसके ऊपर चेंज करने है तो हमें क्या ऑल चेंज करना पड़ेगा, V2 मतलब अगर उसका टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर फर्स्ट में था केल्विन में, अगर वो था 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें 100 करना है तो ये क्या 373 केल्विन करना पड़ेगा। ओनली टेम्परेचर चेंज करके नहीं, वॉल्यूम अगर इसका यहाँ पे 1000 ml है तो यहाँ पे हमें 2000 ml करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर उसका जो रहता है वो अगर 100 mm एज रहेगा तो यहाँ पर उससे ज्यादा होना चाहिए और उससे कम, अगर ये जो वेरिएबल कम हो रही है तो दिस वेरिएबल रिमेन द कॉन्स्टेंट, अगर ये प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल भी ज्यादा करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन हिसाब के, मतलब हमारे सिस्टम क्या कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए उसके हिसाब से। तो हमको स्टेट फंक्शन यही बताता है कि उसकी वैल्यू वो कैसे भी चेंज करो, आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं, वो जो हमारा चेंज करने का जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं, हमें सिर्फ स्टेट फंक्शन हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम एंड फाइनल वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम। अगर हमको इसका चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन प्रेशर फाइंड करना है तो P2 - P1, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज द P2 - P1, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज आवर स्टेट फंक्शन एंड थर्मोडायनामिक फंक्शन, दिस ऑल आर गिव्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर, ये बेसिक है बट इट इज अ वेरी नेसेसरी, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपका आगे का चैप्टर भी समझ में नहीं आता, हेंस वी लर्न दिस अगेन एंड अगेन, आर यू रेडी? तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू।